बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक क्रेता और विक्रेता व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उन्नत करने के लिए विनिमय विपत्रों का सहारा लेते हैं। हालांकि व्यापार में उधार और नगद दोनों तरह के क्रय विक्रय किए जाते हैं, लेकिन कई बार उधार पैसों के डूब जाने या ना मिलने की संभावना लगातार बनी रहती है और ऐसी दिशाओं में जो क्रेता व्यापारी होता है वो समय पर एक विक्रेता व्यापारी से माल खरीद नहीं पाता है। दूसरा एक पक्ष अगर हम देखें तो विक्रेता व्यापारी भी एक बार डरता है कि वो कैसे किसी क्रेता व्यापारी को उधार माल बेचे, क्या उस उधार बेचे गए माल की राशि उसको प्राप्त हो पाएगी। तो इन्हीं सब असंभावनाओं से बचने के लिए विनिमय विपत्र का सहारा लिया जाता है। अगर हम बात करें विनिमय विपत्र की पूरी प्रक्रिया की कि किस प्रकार ये विपत्र एक व्यापारी द्वारा लिखे जाते हैं, दूसरा व्यापारी इन पर स्वीकृति देता है, तो इनमें अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं, पूरी जो प्रक्रिया चलती है क्रमबद्ध, उसके बारे में हमने पिछले अध्याय में काफ़ी कुछ जाना। हमने देखा कि किस प्रकार एक विक्रेता व्यापारी जो होता है वो विपत्र को लिखता है और क्रेता व्यापारी को स्वीकृति के लिए देता है। क्रेता व्यापारी उस विपत्र पर स्वीकृति प्रदान करने के बाद विक्रेता व्यापारी को उस विपत्र को वापस कर देता है। इस तरह यहाँ से विनिमय विपत्र के लिखने और स्वीकृत होकर वापस लेखक यानी जिसे हम कहते हैं ड्रॉवर के पास वो विपत्र पहुँच जाता है। अब इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। कई बार जो लेखक होता है यानी कि विक्रेता व्यापारी जो होता है उस विपत्र को अपने पास रखता है और भुगतान तिथि आने पर उसका भुगतान प्राप्त करता है। दूसरी एक दशा बनती है जबकि यही विक्रेता व्यापारी यानी कि लेखक इस विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना लेता है। तीसरी एक कंडीशन बनती है जबकि ये विक्रेता व्यापारी यानी कि लेखक या ड्रॉवर इस विपत्र को किसी तीसरे पक्षकार को बेचान यानी कि इंडोर्स कर देता है। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह का लेखांकन किया जाता है, किस किस तरह से पंजी प्रविष्टियों में परिवर्तन आता है ये हमने देखा। अब विनिमय विपत्र की इसी पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि विनिमय विपत्र का पूर्व प्रापण क्या है या जिसे हम कहते हैं रिटायरिंग या निवर्तन। तो आइए जानते हैं निवर्तन के बारे में। निवर्तन की अगर हम बात करें तो वास्तव में देखा जाता है कि विपत्र का जो स्वीकर्ता होता है या हम कहें कि जो भुगतान करता होता है वो विपत्र पर एक निश्चित तिथि लिखकर देता है कि मैं इस तिथि को आपके विपत्र पर लिखित जो भी धनराशि है उसका भुगतान कर दूंगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसी संभावनाएं बन जाती है, उसकी स्थिति कुछ अच्छी हो जाती है और उस विपत्र पर जो लिखित राशि रहती है उनको वो समय से पूर्व भुगतान करना चाहता है। अगर विपत्र पर जो राशि निश्चित की गई है उससे पूर्व स्वीकर्ता उस विपत्र की राशि का भुगतान कर देता है तो इसे ही हम विपत्र का निवर्तन या पूर्व प्रापण या रिटायरिंग ऑफ बिल कहते हैं। तो रिटायरिंग ऑफ बिल, विपत्र का निवर्तन, इसके बारे में हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करें तो हम देखते हैं कि एक तो यहाँ पर जबकि एक जो स्वीकर्ता है वो निर्धारित तिथि से पूर्व पैसे चुका रहा है किसको, लेखक यानी कि विक्रेता व्यापारी को। ऐसी कंडीशन में क्योंकि समय से पूर्व चुका रहा है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो उसका मिलना चाहिए, तो बट्टे के रूप में उसको लाभ प्राप्त होता है। यानी कि रिटायरिंग पर या निवर्तन पर जो क्रेता व्यापारी होता है यानी कि विपत्र का जो भुगतान करता होता है उसको कुछ धनराशि दी जाती है बट्टे के रूप में, यानी कुछ डिडक्शन उसको दे दिया जाता है बट्टे के रूप में। अब अगर हम बट्टे की यानी कि डिस्काउंट की बात करें तो स्वीकर्ता के दृष्टिकोण से तो वो लाभ है, पहले उसको जितनी धनराशि देनी चाहिए थी उस पर उसको छूट मिल जाती है और अब वो बट्टे की राशि को काट के भुगतान करेगा। लेकिन इसी के दूसरे पक्षकार यानी कि अगर हम लेखक के दृष्टिकोण से इसको देखें तो लेखक के लिए यही बट्टा हानि होता है क्योंकि पहले उसको जितनी धनराशि मिलनी चाहिए थी उससे कम मिलती है,
यानी कि उस धनराशि में बट्टे के अमाउंट काट दी गई होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें लाभ और हानि, तो हमने देखा कि स्वीकर्ता जो है वो लाभ में है और लेखक व्यापारी जो है वो हानि में रहता है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें हम ये भी जान लें कि ये पूर्व प्रापण या निवर्तन की जो कंडीशन है ये तभी हो सकती है, तभी कोई स्वीकर्ता व्यापारी पूर्व प्रापण या निवर्तन कर सकता है जबकि वो इसके बारे में लेखक से अनुमति प्राप्त कर ले, स्वीकर जो धारक है विपत्र का उससे वो अनुमति प्राप्त कर ले तो उसके बाद ही वो निवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वास्तव में निवर्तन है क्या। अब जब निवर्तन होता है तो इससे संबंधित जो प्रविष्टियाँ होती हैं वो लेखक की पुस्तक में भी होती हैं और स्वीकर्ता की पुस्तक में भी होती हैं। तो आइए देखते हैं कि लेखक और स्वीकर्ता दोनों की पुस्तकों में विपत्र के निवर्तन के संबंध में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। यहाँ पर लेखक की पुस्तक की अगर हम बात करें तो क्योंकि लेखक जो होता है वो उस विपत्र पर छूट देता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, जो विक्रेता होता है वही तो छूट देता है। तो क्योंकि लेखक यानी कि विक्रेता उस विपत्र पर छूट देता है इसलिए वो अपने यहाँ जनरल एंट्री करता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पर वो नरेशन लिखता है बिंग बिल रिटायरिंग अंडर रिबेट, विपत्र का निवर्तन हुआ रिबेट पे, डिस्काउंट पे। अब अमाउंट किस तरह से लिखेगा तो उसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10,000 का एक बिल्स रिसीवेबल था, निवर्तन के कारण उस पर 10% की छूट दे दी गई, तो हम पहले 10,000 पे जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे 1,000 और फिर हम उसकी पोस्टिंग जनरल में करेंगे। तो टोटल जो 10,000 की अमाउंट थी उसमें से 1,000 की जो अमाउंट है वो तो डिस्काउंट चली गई, तो यहाँ हमने जो डिस्काउंट डेबिट साइड में लिखा है उसमें हम लिखेंगे 1,000। अब 10 में से 1,000 हमने डिस्काउंट दे दिया यानी कि ओवरऑल जो मिलनी चाहिए लेखक को अमाउंट वो हो जाएगी 9,000, 10-1 यानी कि 9,000। तो यहाँ कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 9,000 और टोटल फिर जो अमाउंट बनती है 9+10 वो हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट पर लिखेंगे 10,000। दूसरी कंडीशन जो बनती है स्वीकर्ता की, तो स्वीकर्ता की पुस्तकों में हम किस प्रकार से जनरल एंट्री करेंगे। स्वीकर्ता की पुस्तक में जनरल एंट्री होती है क्योंकि स्वीकर्ता तो छूट प्राप्त करता है, उसको डिस्काउंट रिसीव होता है, उसके लिए आय है या लाभ है तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट। अब वही अमाउंट जो डिस्काउंट की थी यहाँ पर डिस्काउंट के क्रेडिट में आएगा यानी कि 1,000 और बैलेंस की जो अमाउंट थी जिसे हम कहते हैं नेट अमाउंट 10,000 में से 1,000 डिडक्ट करने के बाद तो वो 9,000 की जो अमाउंट है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगी क्योंकि वो 9,000 ही पेमेंट करेगा लेखक को और टोटल जो 10,000 की अमाउंट है वो बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी। तो निवर्तन की कंडीशन में पूरी ये प्रक्रिया लेखक और स्वीकर्ता के यहाँ इस प्रकार से जनरल एंट्री के द्वारा की जाती है। तो आइए निवर्तन पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। विनिमय विपत्र के पूर्व प्रापण या निवर्तन की दशा में लेखक के पुस्तक में विपत्र की राशि छूट देकर भुगतान करने पर रोकड़ खाता डेबिट बट्टा खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से विपत्र का अपहार पर निवर्तन या पूर्व प्रापण कैश डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल रिटायरिंग अंडर रिबेट स्वीकर्ता या देनदार की बहियों में छूट प्राप्त कर विपत्र का भुगतान करने पर देय विपत्र खाता डेबिट रोकड़ खाता से बट्टा खाता से विपत्र का अपहार पर भुगतान किया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट बीइंग पेड द बिल अंडर रिबेट। राम 4,000 रुपये से लखन का ऋणी है। 1 अगस्त 2006 को 4,000 रुपये का एक विपत्र लखन ने 4 माह के लिए लिखा जिसे राम ने स्वीकार कर वापस लौटा दिया।
देय तिथि से 2 माह पूर्व राम 6% प्रतिवर्ष की दर से अपहार या छूट पर विपत्र का भुगतान कर देता है। इन व्यवहारों को राम और लखन की पुस्तकों में जनरल के लेखे कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि राम और लखन दो पक्षकार हैं, जिसमें एक विपत्र जो है वो लखन लिखता है यानी कि वो लेखक है, और राम उस पर स्वीकृति देता है यानी कि वो स्वीकारता है। तो सबसे पहले हमको लखन यानी कि लेखक की पुस्तक में इसकी एंट्री करनी है। तो जब ये विपत्र स्वीकर्ता से स्वीकृत होकर वापस लखन को प्राप्त होगा तो पहली एंट्री लखन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम, और नरेशन यहाँ पे लिखा जाएगा बीइंग गिवन एक्सेप्टेंस बाय राम ऑन बिल्स रिसीवेबल, और 4000 का ये विपत्र था तो 4000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड, यहाँ पर क्योंकि ये बिल भुना लिया गया है, बट्टा और छूट या छूट पर ये प्राप्त कर लिया गया है, और बट्टे की अमाउंट यहाँ पर दी गई है कि 4000 के इस विपत्र पर 2 माह का 6% प्रतिवर्ष की दर से डिस्काउंट यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100 इंटू 12 यानी कि 40 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जब भुगतान प्राप्त होता है तो यहाँ हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। तो यहाँ पर कैश में हम कौन से अमाउंट लिखेंगे, 4000 का बिल था, 40 रुपीज इसमें डिस्काउंट मिल गया यानी कि अब हमको जो कैश मिलेगा वो मिलेगा 3960। तो कैश के डेबिट में हम लिखेंगे 3960 और डिस्काउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 40 रुपीज, और टोटल ये बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में आ जाएगा 4000। अब सेकेंड, इसका जो पक्षकार है राम यानी कि स्वीकर्ता, उसकी पुस्तकों में हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो हम लखन ने जो बिल लिखा और उस पर जो स्वीकृति दी गई राम के द्वारा उसकी हम एंट्री करेंगे, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, लखन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 4000 से, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गिवन एक्सेप्टेंस ऑन बिल ऑफ लखन 4000। और फिर जबकि इसमें बिल का पेमेंट होगा, पे किया जाएगा, तो वहां पर इस दशा में स्वीकर्ता अपने पुस्तकों में प्रविष्टि करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और कैश जैसे कि हमने पहले भी देखा कि आफ्टर डिस्काउंट ये आ जाती है 3960 और डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी 40, टोटल बिल्स पेबल हम यहाँ पर लिखेंगे 4000। 1 जनवरी 2007 को आने ब से 1800 रुपए का एक विपत्र अपने ऋण के भुगतान में स्वीकार किया जो 4 माह पश्चात देय था। आ ने विपत्र की अवधि के 1 माह पूर्व ही 6% प्रतिवर्ष की दर से बट्टा लेकर भुगतान कर दिया। इन व्यवहारों को दोनों पक्षों के पुस्तकों में लिखिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं आ और ब। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अ ने ब से 1800 रुपए का एक विपत्र अपने ऋण के भुगतान में स्वीकार किया, यानी कि अ जो है वो स्वीकर्ता है और ब जो है वो लेखक है। सबसे पहले हम लेखक यानी कि ब की पुस्तकों में प्रविष्टि करेंगे, और जब हम ब की पुस्तकों में प्रविष्टि करेंगे तो सबसे पहली प्रविष्टि हमारी विपत्र के स्वीकृत होकर प्राप्त होने की होगी, यानी कि फर्स्ट एंट्री जो होती है वो हमारी होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, और 1800 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ए। सेकेंड एंट्री, जबकि आ इस विपत्र को 1 माह पूर्व ही 6% वार्षिक की दर से बट्टे पर भुगतान कर देता है, तो इस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी। हमने देखा निवर्तन से संबंधित ये प्रश्न है, और निवर्तन की कंडीशन में जब समय से पूर्व उसको भुना लिया जाता है विपत्र को और साथ में बट्टा भी रहता है, तो हमने देखा कि किस प्रकार हम एंट्री करते हैं। तो ये सेकेंड एंट्री जो है वो लेखक की पुस्तक में हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। 1800 का बिल है, 1 माह पूर्व स्वीकार कर लेता है, तो 1 माह का हम यहाँ पर रिबेट कैलकुलेट करेंगे, 6% पर एनम है, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 100 यानी 9 रुपीज जो रिबेट है वो इसको मिलेगा, तो ये वो इसको देना है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश की
1791 से, डिस्काउंट के एंट्री 9 रुपीज से और बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में टोटल 1800 हम लिखेंगे। तो ये तो हमने लेखक के पुस्तक में प्रविष्टि कर दी। अब स्वीकर्ता की पुस्तकों में यानी कि ए की पुस्तक में हम प्रविष्टि करेंगे, क्योंकि ए ने ब से 1800 रुपए का एक विपत्र अपने ऋण के भुगतान में स्वीकार किया। तो अब हम ए की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री जबकि बिल वो एक्सेप्ट करके देगा, स्वीकार करके देगा, तो वो एंट्री करेगा बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, स्वीकर्ता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग गिवन एक्सेप्टेंस ऑन बिल। सेकेंड, जबकि ए जो है इस विपत्र को 1 माह पूर्व ही बैंक से बट्टे पर भुना लेता है। तो हमने देखा कि कैलकुलेशन हम किस प्रकार करते हैं और हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे स्वीकर्ता के पुस्तकों में। तो जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, 9 रुपीज डिस्काउंट आया था। कैश में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 1791 और टोटल अमाउंट बिल्स पेबल के डेबिट में हम लिखेंगे 1800। नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग बिल पेड अंडर रिबेट। सुरेश ने सुभाष के 4 माह के 1200 रुपए वाले एक विपत्र पर अपनी स्वीकृति 1 जनवरी 2008 को दी। देय तिथि से 1 माह पूर्व सुरेश ने 5% प्रतिवर्ष छूट के आधार पर विपत्र का भुगतान कर दिया। दोनों पक्षों की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं सुरेश और सुभाष, क्योंकि सुरेश ने सुभाष के 4 माह के विपत्र पर स्वीकृति दी है, यानी कि सुरेश जो है वो स्वीकर्ता है और सुभाष जो है वो लेखक यानी कि ड्रॉवर है। तो सबसे पहले हम लेखक के पुस्तकों में प्रविष्टि करेंगे। पहली प्रविष्टि हमारी जो होगी लेखक के पुस्तक में वो हो जाएगी जबकि लेखक जो है वो स्वीकर्ता यानी कि सुरेश से विपत्र को स्वीकृत करके वापस प्राप्त करता है। तो इस कंडीशन में वो अपनी पुस्तकों में फर्स्ट एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और 1200 से हम इसकी एंट्री करेंगे और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय सुरेश। सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि देय तिथि से 1 माह पूर्व सुरेश ने 5% प्रतिवर्ष की दर से बट्टे से उसने बैंक से भुना लिया। तो इस कंडीशन में पहले हम कैलकुलेशन कर लें कि बट्टा कितना आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विपत्र जो था बिल जो था वो 1200 का था और 1 माह पूर्व ही वो भुना ले रहा है, यानी कि 1 माह का इसको रिबेट यहाँ पर आएगा और 5% पर एनम इसका रेट था। तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 100, यानी कि 5 रुपीज यहाँ रिबेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लेखक के पुस्तक में कर रहे हैं उसको प्राप्त होना है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो टोटल जो बिल था वो था 1200 का, इसमें 5 रुपीज रिबेट माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 1195 जो कि कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। 5 रुपीज हम डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और टोटल बिलार जो है बिल्स रिसीवेबल जो है 1200 वो क्रेडिट में हम लिखेंगे। तो ये तो हमने लेखक की पुस्तक में एंट्री करी। अब ऐसे ही हम स्वीकर्ता की पुस्तकों में यानी कि सुरेश की पुस्तक में एंट्री करेंगे। तो सुरेश क्योंकि स्वीकर्ता है वो सुभाष के द्वारा लिखे गए विपत्र पर सबसे पहले स्वीकृति देगा, और जब वो लेखक द्वारा यानी कि सुभाष के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देगा तो वो अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा सुभाष डेबिट। नॉर्मली यहाँ पर एंट्री होती है लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट दे विपत्र खाता से, यानी ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉवर कौन है, सुभाष है। तो सुरेश के अकाउंट में हम एंट्री करेंगे सुभाष डेबिट टू बिल्स पेबल और 1200 से हम इसकी एंट्री करेंगे और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गिवन एक्सेप्टेंस ऑन बिल ऑफ सुभाष। सेकंड, जबकि सुभाष जो है वो 1 महीने पूर्व ही इस बिल को बट्टे पर भुना लेता है। तो हमने देखा कि रिबेट हमने कैलकुलेट किया था वो आया था 5 रुपीज और इसके अकॉर्डिंग जब हम स्वीकर्ता यानी कि सुरेश की पुस्तक में एंट्री करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो ये कैश जो है वो हमने कैलकुलेट किया था
1200 से 5 रुपीस हम रिबेट माइनस कर दे तो कैश आ जाता है 1195। ये हम कैश के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। डिस्काउंट हमने देखा 5 रुपीस, वो हम डिस्काउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। और टोटल अमाउंट हम बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 1200। नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बैंक बिल पेड अंडर रिबेट। 15 मार्च 2006 को ए द्वारा 8000 रुपए का आहरित बिल बी ने स्वीकार कर लौटा दिया जो तिथि के 4 माह पश्चात देय है। व्यापारिक प्रथा के अनुसार रोकड़ छूट 6% वार्षिक है। निम्न दशाओं में छूट की राशि ज्ञात कीजिए। पहला, यदि बी 18 अप्रैल 2006 को भुगतान कर दे। दूसरा, यदि बी 18 मई 2006 को भुगतान कर दे। तीसरा, यदि बी 18 जून 2006 को भुगतान कर दे। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार जो है ए और बी, इसमें ए जो है वो लेखक है यानी कि ड्रॉवर है और बी जो है वो स्वीकर्ता यानी कि ड्रॉवी है। यहाँ पर एक तो निवर्तन से रिलेटेड ये प्रश्न है, लेकिन ये जो डिस्काउंट है, हालांकि जनरल एंट्री में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक जो एंट्री होगी लेखक के यहाँ, वो विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त करके विपत्र वापस लेने की होगी, और दूसरी एंट्री जो होगी वो बट्टे पर भुना लेने की, प्राप्त कर लेने की होगी। बिल्कुल इसी तरह स्वीकर्ता के यहाँ भी दो प्रविष्टि होगी, एक जब वो स्वीकृत करके स्वीकृत करेगा जब वो विपत्र को, और दूसरी जब ये विपत्र जो है वो आभार लेकर भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें डिस्काउंट या रिबेट के जो कैलकुलेशन है वो डेट वाइज चेंज होगी। तो जनरल एंट्री हम कर लेते हैं, जनरल एंट्री हम एक ही करेंगे और अमाउंट हम देखेंगे कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप एबीसी तीनों स्टेप में परिवर्तित होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए जो है वो लेखक यानी कि ड्रॉवर है और बी जो है वो स्वीकर्ता यानी कि ड्रॉवी है। फर्स्ट एंट्री, जब हम लेखक की पुस्तकों में भी प्रविष्टि कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री जब ए बी से विपत्र पे स्वीकृति प्राप्त करके लेता है वापस, तो वो अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड बाय बी, और 8000 से उसकी एंट्री करेगा। और सेकेंड एंट्री जो भुगतान प्राप्त करने की होगी, उसमें वो एंट्री तो सभी कंडीशन में सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, लेकिन जो डेट है डेट के हिसाब से पेमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन जो है, तो यहाँ पर इफ बी मेक्स पेमेंट ऑन 18 अप्रैल 2006, अगर बी 18 अप्रैल 2006 को भुगतान करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये मान लेंगे क्योंकि वो 18 अप्रैल 2006 को भुगतान कर रहा है और इसको देना था 4 माह का ये बिल था, यानी कि ये जो बिल है 3 माह पहले ही दे दिया जा रहा है, मार्च से अप्रैल केवल 1 माह ही हो पाया, यानी 3 माह अभी बच गए। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे 8000 × 6 × 3 मंथ का हम कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 × 100, यानी कि 120 रुपीस जो रिबेट है वो यहाँ पर आएगा। अब इस कंडीशन में अगर हमको यहाँ पर इस एंट्री में अमाउंट लिखनी होगी, तो कैश में हम क्या लिखेंगे और डिस्काउंट में क्या लिखेंगे, तो टोटल जो हमारी अमाउंट है वो 8000 है, इसमें रिबेट माइनस कर दे अगर हम 120, तो 7880 रुपीज हम कैश में लिखेंगे और 120 रुपीज हम डिस्काउंट में लिखेंगे और टोटल बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में हम 8000 लिखेंगे। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन की बात। अब सेकंड कंडीशन, जब बी 18 मई 2006 को भुगतान करे, इफ बी मेक पेमेंट ऑन 18 मई 2006, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विपत्र कितने महीने पहले भुगतान कर दिया जा रहा है, टोटल 4 महीने का था, मार्च टू अप्रैल एंड अप्रैल टू मई, यानी कि 2 महीने रहा और 2 महीने पहले भुगतान कर दिया गया, तो यहाँ पर हम 2 महीने का ही रिबेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8000 × 6 × 2 / 12 × 100, यानी 80 रुपीज। अब इस कंडीशन में जनरल एंट्री तो सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी हम बात कर रहे हैं केवल लेखक की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि की,
तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो थी वो थी 8,000 और रिबेट जो हमने कैलकुलेट किया 2 मंथ का वो आया 80 रुपीज। तो अमाउंट जो कैश में आएगी वो हो जाएगी 8,000 - 80, यानी कि कैश की अमाउंट हो जाएगी 7,920 और डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएगी 80 रुपीज। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम जनरल एंट्री में कैश में लिखेंगे 7,920, डिस्काउंट में लिखेंगे 80 रुपीज और बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में हम टोटल 8,000 लिखेंगे। थर्ड कंडीशन, जबकि बी 18 जून 2006 को भुगतान कर दे, इफ बी मेक पेमेंट ऑन 18 जून 2006। अब यहाँ पर हम डेट कैलकुलेट करें, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून, यानी 3 मंथ तो था विपत्र। टोटल ये जो बिल था वो 4 मंथ के लिए था, तो आफ्टर 3 मंथ ये पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 मंथ पहले, केवल 1 माह पहले वो इसका निवर्तन हो रहा है विपत्र का, तो केवल 1 महीने का यहाँ पर हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 8,000 × 6 × 1/12 × 100 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम तो हो जाएगा 40 रुपीज। अब टोटल जो 8,000 है उसमें हम 40 माइनस कर देंगे तो कैश की अमाउंट यहाँ पर हो जाएगी 7,960 और डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएगी 40। तो यहाँ पर हम एंट्री में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एंट्री हमारी वही रहेगी। कैश अकाउंट के, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में इस कंडीशन में अमाउंट आ जाएगी 7,960, डिस्काउंट के डेबिट में अमाउंट आ जाएगी 40 और बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगी टोटल 8,000। तो हमने देखा कि जनरल एंट्री लेखक की पुस्तक में कहीं पे किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो यहाँ पर पेमेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट जो है वो हर बार चेंज हुई है। तो अब हम स्वीकर्ता यानी कि बी ड्रॉवी जो है उसकी पुस्तकों में एंट्री कर लें, जिसमें कि फर्स्ट एंट्री वो होगी जबकि बी यानी कि स्वीकर्ता इस विपत्र पर अपनी स्वीकृति देता है। तो फर्स्ट एंट्री वो अपनी बुक में करता है लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट दे विपत्र खाता से, यानी ड्रॉवीज यानी ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो यहाँ ड्रॉवर कौन है, ए, लेखक कौन है, ए, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और 8,000 से हम इस एंट्री को करेंगे। सेकेंड एंट्री जबकि ए जो है इस विपत्र पर भुगतान प्राप्त कर लेता है, तो इसकी जो एंट्री है वो बी के यहाँ हर कंडीशन में सेम होगी, जैसे कि ए के पुस्तक में हर कंडीशन में एंट्री में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन अमाउंट जो है वो हर कंडीशन में चेंज होगी क्योंकि हमने कैलकुलेशन देखी, तीनों ही कंडीशन में कैलकुलेशन चेंज हुई थी। तो आइए देखते हैं कि किस किस कंडीशन में कौन कौन से अमाउंट हम लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में जब बिल 18 अप्रैल 2006 को भुगतान कर दिया जाता है, तो हमने देखा था कि रिबेट जो है वो 120 रुपीज आया था और नेट अमाउंट मतलब 8,000 जो टोटल अमाउंट है उसमें से 120 जब हम माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट हमारी आई थी 7,880। ये हमारी नेट अमाउंट आई थी जिसको कि हम कैश में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 7,880, डिस्काउंट में हम लिखेंगे 120 और टोटल जो अमाउंट है 8,000 वो हम बिल्स पेबल के डेबिट में लिखेंगे। ये अमाउंट हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में जब बी जो है वो 18 मई 2006 को भुगतान करता है, तो हमने डेट किस प्रकार से कैलकुलेट की थी वो हमने देखा और यहाँ पर 80 रुपीज जो है वो रिबेट हमने देखा था। और अब जबकि 8,000 से हम 80 यानी कि रिबेट को माइनस कर देंगे तो टोटल जो बैलेंस आता है यानी कि नेट अमाउंट जो आती है वो आती है 7,920 जो कि हमको कैश में लिखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एंट्री में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगी। कैश के क्रेडिट में हम यहाँ लिखेंगे 7,920 और डिस्काउंट जो है वो 80 हो जाएगा और टोटल अमाउंट जो बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट में आएगी वो 8,000 हो जाएगी। थर्ड कंडीशन में भी हम यही करेंगे क्योंकि हमने देखा कि 18 जून 2006 को अगर भी भुगतान कर दे तो उस कंडीशन में
जो रिबेट है केवल 1 मंथ के लिए कैलकुलेट होता है। हमने कैलकुलेशन की थी तो हमने देखा कि डिस्काउंट जो है वो 40 रुपीज आएगा, नेट अमाउंट जो है वो आएगी 8,000 - 40 यानी कि 7,960। और अमाउंट हम किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, तो कैश में हम लिखेंगे नेट अमाउंट जो 8,000 में से 40 माइनस करने के बाद आई है यानी कि 7,960। डिस्काउंट में हम क्या लिखेंगे 40, और टोटल अमाउंट हम बिल्स पेबल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे 8,000।